अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल चार्जेस स्फीयर, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ये दोनों जो है सस्पेंड किए गए हैं कॉमन पॉइंट से बाय टू मासलेस स्ट्रिंग, दो मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंड किए गए हैं और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल है, एंड आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस डी, इनिशियली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है और ये स्मॉल डी जो है वेरी वेरी मच लेसर देन एल, एल से बहुत कम है, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, और ये दूर क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से दूर है। अगर हम इस सिचुएशन को समझना चाहें तो क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, भाई लेट्स से एक स्ट्रिंग आपकी ये है, इसके ऊपर ये आ गया चार्ज स्फीयर और ये जो है आपका दूसरा चार्ज स्फीयर ये आ गया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और ये लेंथ हो गई एल, ये लेंथ हो गई एल, चूंकि ये एल जो है ये आपको ध्यान से समझना है, ये जो एल है वेरी वेरी मच मोर देन डी, डी जो है बहुत कम है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो इनके बीच में लेट से यहां पर कोई एंगल है अल्फा, ये अल्फा जो एंगल है ये क्या होगा, ये बहुत छोटा होगा, चूंकि ये एल बहुत बड़ा है ये बहुत ही छोटा है, बिल्कुल कुछ इस तरह से अगर मैं इसका डायग्राम समझाने की कोशिश करूं, यहां देखो ऐसा समझ लो ये एल है और ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ये बहुत ही कम है, बहुत दूर, मतलब L बहुत बड़ी है और D जो है बहुत ही कम है, कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो अल्फा है ये बहुत ही कम हो गया, अल्फा भी जो है इसमें क्या हो गया, स्मॉल हो गया, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये आपको समझ रहे हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, लेट्स से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, इधर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन F, ये वाली सिचुएशन आपको समझ में आ गई, ये यहां तक की सिचुएशन मैंने अभी समझाई। अब क्या बोल रहा है, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर, दोनों स्फीयर से जो चार्ज है वो लीक होगा, ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट से जो है चार्ज लीक होगा, एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी वी, ये जो दोनों स्फीयर है एक दूसरे के नजदीक आना शुरू करेंगे, क्यों आना शुरू करेंगे ये भी देखेंगे, किस वेलोसिटी से आएंगे, वी वेलोसिटी से, क्वेश्चन में दिया है, देन वी वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स, ये जो वी है वेरी करेगा डिस्टेंस एक्स के अकॉर्डिंग बिटवीन द स्फीयर, तो हमें v और x के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या होगा इसको ध्यान से समझना है, लेट से इस स्फीयर से चार्ज रिलीज हुआ, इस स्फीयर से चार्ज लीक हुआ या रिलीज हुआ, तो जो किस रेट से हुआ, लेट से dq बाई dt रेट से लीक होता है, ठीक है जी, यहां से भी dq बाई dt रेट से लीक होता है, तो आप खुद सोचो जब इन दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होगा तो इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये जो फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, क्या ये कम होगा, बिल्कुल जी ये कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या कहता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो क्यू वन क्यू टू का मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो ये फोर्स भी कम होगा, जब ये फोर्स कम होगा तो ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देंगे, और जब ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो किस वेलोसिटी से आएंगे, वी वेलोसिटी से, तो किसी डिस्टेंस एक्स पर, ये बोल रहा है किसी डिस्टेंस एक्स पर हमें जो है वी और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अगर मैं इस सिचुएशन को यहां पर दोबारा से समझने की कोशिश करूं तो लेट से ये स्फीयर यहां आ गया और ये आपका दूसरा स्फीयर यहां आ गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है एक्स और ये जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सिचुएशन है जी, v और x के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे कि भाई ये तो l है और यहां से एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये x है तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू हो गई यहां से यहां तक x बाई टू, ठीक है, ये l हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है इसमें फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग से जो है मास अटैच है तो इसके ऊपर एक टेंशन लगेगी, लेट से ये टी हो गई, ये एंगल लेट से हमने थीटा मान लिया, तो ये एंगल जो है ये जो कंपोनेंट हो गया ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो गया, तो ये टी कॉस थीटा, अब टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, इस चार्ज स्फीयर का मास या जो वेट एम जी, क्लियर है, इस टी कॉस थीटा का एक और कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा टी साइन थीटा,
अब इसको कौन बैलेंस करेगा, इन दोनों स्फीयर के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि रिपल्सिव फोर्स है, तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ ई, तो हमने जो है यहां पर फोर्सेस को बैलेंस कर दिया इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई कितना हो गया के, दोनों के ऊपर जो चार्ज है लेट से क्यू है, भाई दोनों सेम रेट से चार्ज रिलीज हो रहा है, तो लेट से किसी इंस्टेंट पर क्यू चार्ज आया दोनों के ऊपर क्यू, अपॉन में डिस्टेंस कितना है जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या बना टी कॉस थीटा जो एमजी को बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी, दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा टी टेन थीटा, डिवाइड कर दिया हमने टी टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर है, तो यहां से टी टेन थीटा टी तो सॉरी टी तो टी उड़ जाएगा, ये भी उड़ा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर, तो अगर आपको यहां तक ये सारी बात क्लियर हो गई तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अल्फा एंगल बहुत कम था, ये मैंने अभी बताया था, ये अल्फा एंगल क्यों कम था, क्योंकि डी जो है बहुत ही कम है एल से, तो ये अल्फा एंगल बहुत कम है, तो ये जब और नजदीक आएंगे तो एंगल और कम हो जाएगा, तो थीटा भी बहुत ही कम होगा, थीटा क्या होगा बहुत ज्यादा कम। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये जो टेन थीटा है नियर अबाउट थीटा होगा, क्या ये नियर अबाउट थीटा जो है क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन थीटा के होगा, तो किसी भी तरह से आप बोल लो, तो इसका मतलब टेन थीटा जो है आपका नियरली इक्वल टू साइन थीटा हो गया, क्योंकि थीटा आपका बहुत ही स्मॉल है, ये हम ऐसा एजम्पशन में करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर टेन थीटा की जगह अगर मैं लिख दूं साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर है, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तो साइन थीटा क्या हो सकता है, अगर हम साइन थीटा निकालें तो ये एक्स बाई टू और ये एल, तो एक्स बाई टू इंटू एल ये हो गया आपका साइन थीटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। यहां से हम के स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा एक्स क्यूब इंटू एम जी, भाई एक्स क्यूब इंटू एम जी, नीचे क्या आ गया के स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो टू एल इंटू के कुछ ऐसा आ गया ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एम जी और टू एल इंटू के। अब आप ध्यान से देखो एम जी टू एल इंटू के, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट सी हो गया और एक्स क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आया, क्यू स्क्वायर जो है एक्स की पावर थ्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां से जो चार्ज है वो लीक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज जो है वो लीक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्यू जो है इज इक्वल टू सी तो कांस्टेंट ले लिया और एक्स की पावर क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं थ्री बाई टू, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू ये तो कांस्टेंट रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, भाई ये याद रखना है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा थ्री बाई टू एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस वन। क्लियर है, तो यहां से ये आ गया डी क्यू ओवर डी टी। एक और चीज रह गई अब यहां पर सी इंटू, चूंकि यहां पर एक्स तो नहीं था तो इसका डी एक्स ओवर डी टी भी करना पड़ेगा, चेन रूल लगाते हैं यहां पर वेरिएबल को चेक करने के लिए, तो यहां पर सी थ्री बाई टू और एक्स की पावर कितनी आ गई दो एकम दो और तीन है ना, तो वन बाई टू इंटू ये डी एक्स ओवर डी टी क्या बन जाएगा वेलोसिटी। क्लियर है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें तो वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना था, तो क्या आप यहां पर ये देख पा रहे हैं ऐसा लिख सकते हैं टू इंटू डी क्यू ओवर डी टी, ये टू इधर हो गया और ये नीचे थ्री आ गया, चलो ये टू और ये थ्री और नीचे डी क्यू ओवर डी टी वन अपॉन में सी, ये वन अपॉन में सी इंटू ये एक्स की पावर वन बाई टू नीचे आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू वी।
तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो v जो है कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/√x के। v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रूट एक्स के। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज स्फीयर जो कि एक्स आया उसके बीच में रिलेशन निकाला। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया। बेसिकली यहां पर कुछ चीजें आपको ये समझनी है, एक तो ये अजम्पशन था, ये जो ये दिया था ये क्यों दिया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या रोल था, जो चार्ज है किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है इसका भी क्या रोल है, dq/dt ये आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, फोर्सेस को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।